ज्वालामुखी के गुमर में बस व स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक की पहचान सुनील कुमार पुत्र संतराम निवासी वार्ड नंबर 4 ज्वालामुखी, जबकि घायल विनोद कुमार पुत्र बुद्धि सिंह निवासी सुकनाल ज्वाला जी का रहने वाला है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्वाला जी के गुम्बर में बस व स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक की पहचान सुनील कुमार पुत्र संतराम निवासी वार्ड नंबर 4 ज्वालामुखी, जबकि घायल विनोद कुमार पुत्र बुद्धि सिंह निवासी सुकनाल ज्वालामुखी का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल रेफर कर दिया है। DSP ज्वालाजी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति ज्वालाजी से स्कूटी पर सवार होकर मनमेश की यात्रा के लिए जा रहे थे। इसी बीच कांगड़ा की तरफ से ज्वालाजी आ रही निजी बस जो ओवर स्पीड थी, उसका चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसकी स्कूटी से टक्कर हो गई। हादसा पेश होने के बाद घायल विनोद को तुरंत ज्वालाजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं इस हादसे में सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बस की ओवर स्पीड के चलते ये हादसा पेश आया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ASI ट्रैफिक रवि दत्त मौके पर पहुंचे व उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस ने बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बस को जब्त कर लिया है। आज गुम्बर के पास बस और बाइक का जो भयानक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो एक लड़का था वो जो ज्वाला जी का नौकरी है वो तो उसमें एक्सपायर हो गया। हमारे यहाँ आने से पहले ही उसका हो गया था। उसका नाम सुनील था और जो दूसरा लड़का है विनोद वो भी काफी सीरियस है, उसको हमने फर्स्ट एड दिया और उसको टांडा के लिए भेज दिया। कार्यक्रम में वक्त चलाए छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।